तो रिव्यू करेंगे नेप्रोक्सिन 500 mg टेबलेट के बारे में और जानेंगे यह कब काम आती है, कौन सी प्रॉब्लम में ये दी जाती है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या सावधानियां हैं, क्या इसकी डोज है और कितने दिन तक इसका यूज करना चाहिए। तो संपूर्ण रिव्यू करेंगे नेप्रोक्सिन 500 mg टेबलेट के बारे में। दोस्तों क्या है नेप्रोक्सिन 500 mg टेबलेट? देखिए ये एक ब्रांड नेम है जो किसी कंपनी ने इसका नाम रखा है नेप्रोक्सिन। इसके अंदर जो कंटेंट है वो है नेप्रोक्सिन 500 mg में। दोस्तों इसे RPG लाइफ साइंस कंपनी बनाती है और प्राइस रखा है इसका 70 रुपये की। ये कम से कम आपको 15 टेबलेट हर दवाई की दुकान मिल जाएगी। बात करें ये जो नेप्रोक्सिन है ये क्या है और कौन सी प्रॉब्लम में काम आता है। तो दोस्तों नेप्रोक्सिन एक नॉन एस्टेरॉइड, मतलब ये एक एस्टेरॉइड नहीं है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। मतलब ये एक सूजन को कम करने के लिए, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए पेन रिलीफ एक के रूप में ये जानी जाती है। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा ये माइग्रेन में यूज़ की जाती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम के कारण जो आधे आधा सर दर्द होता है उसको दूर करने के लिए, उसमें रिलीफ पाने के लिए इसका यूज किया जाता है। दोस्तों ये माइग्रेन का इलाज तो नहीं करती है, लेकिन जो माइग्रेन के कारण जो दर्द हो रहा है उसका इलाज ये जरूर करती है। इसके साथ साथ अगर जॉइंट्स के अंदर, हड्डियों के अंदर ऑयलिंग की कमी हो जाती है जिसके कारण हड्डियाँ रगड़ खाने लगती है तो बहुत ज़्यादा दोस्तों दर्द होता है और वहाँ पर सूजन आ जाता है, तो ये टेबलेट वहाँ पर भी यूज कर सकते हैं सूजन को कम करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए। इसके साथ साथ अगर फीवर की दिक्कत है, बुखार है, तो उसको कम करने के लिए भी दोस्तों नेप्रोक्सिन सॉल्ट का यूज बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी करते हैं, क्योंकि ये एज ए पैरासिटामोल काम करती है। साइड इफेक्ट दोस्तों इसके कमी होते हैं, घबराने की कोई बात नहीं, कभी कभार दे जाते हैं, जैसे कि लाइट सर दर्द हो सकता है, लूज मोशन लग सकते हैं, पेट में कुछ गड़बड़ हो सकती है, BP बढ़ सकता है, थोड़ा चेस्ट में दर्द हो सकता है, ये बहुत कम दिखे जाते हैं, घबराने की कोई बात नहीं। किस तरीके से काम करता है इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों देखिए कहीं पर आपको चोट लगती है, कहीं पर आपको दर्द हो रहा है, तो इसका महसूस आपको कब होगा? जब वहाँ से कुछ सिग्नल मैसेज निकल कर आपके ब्रेन तक पहुँचेंगे, फिर ब्रेन पहुँचने के बाद आपको पता चलता है, ब्रेन आपको पता मतलब आपको बताता है कि आपको यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, इसके कारण आपको पेन महसूस हो रहा है। तो दोस्तों उन केमिकल मैसेंजर को, उन सिग्नल्स को ये ब्लॉक कर देता है जिससे आपको पता नहीं चलता और जो प्रॉब्लम है वो सोल्व होने लगती है। इस तरीके से दोस्तों ये काम करता है। डोज की बात करें तो इसकी एक टेबलेट सुबह, एक टेबलेट शाम को भी ले सकते हैं, या इमरजेंसी होने पर कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं खाना खाने के बाद। ड्यूरेशन की बात करें तो ये कभी भी यूज़ कर सकते हैं, 4-5 दिन कंटिन्यू ले सकते हैं या कभी कभार भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होती नहीं है। वैसे सावधानी है प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग में डॉक्टर की सलाह से लीजिएगा। अगर एल्कोहल यूज़ कर रहे हो उस टाइम इसकी डोज आपको नहीं लेनी है। बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए ये टेबलेट सही नहीं है, एडल्ट पर्सन के लिए। तो दोस्तों फुल रिव्यू था नेप्रोक्सिन 500 मीटर वाले वीडियो पर।